नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा रवि प्रकाश, आप लोगों का अंडर बैंकर में का फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने जो लड़ाई स्टार्ट की थी वो काफ़ी आगे आ चुकी है और काफ़ी लोग हमें सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड दोस्तों, एक मेरी फ्रेंड है जो कि आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती है अपनी फीलिंग्स, और आपको बताना चाहती है कि एक्सिस बैंक ABYB प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद उनके साथ क्या हुआ। तो उनके बारे में पहले मैं बताना चाहूँगा कि वो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है एंड उनके ब्रांच का सोल आईडी है 2494। या दोस्तों, ये वीडियोस बनाने का हमारा एक ही मकसद है कि ये फ्रॉड, ये स्कैम दुनिया के सामने हम ला सकें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये जॉब सीकर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सिस बैंक के बिजनेस करने का एक तरीका है। सिर्फ 4 लाख रुपए ले करके खुद का प्रॉफिट करना और उसके बाद किस तरह से एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय नहीं, एक्चुअली हम लोग रिसोर्स कहलाते हैं बैंक में, हम लोग एम्प्लॉय नहीं कहलाते थे बैंक में, हम लोग रिसोर्स कहलाते थे। तो रिसोर्स के साथ क्या होता था, किस तरह से बिहेव करते थे, किस तरह से बिजनेस प्रेशर होता था, तो ये सारा कुछ आपको मेरी फ्रेंड जो है आप लोगों को बताएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए एंड ऑल द वे टू श्वेता, थैंक यू। हाय गाइस, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक बार आप लोगों के सामने एक्सिस बैंक के फ्रॉड के बारे में बताने के लिए। मैं चाहती हूँ कि ये पूरा आप लोगों को डिटेल में मालूम चले कि ये कैसे करते हैं फ्रॉड, कैसे बिहेव करते हैं कि सब लोगों को ये जॉब छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जब आप ज्वाइन करने जाओगे, तो ये आपके साथ ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आप इस बैंक का उद्धार करने आए हो। उसके बाद 1-2 दिन के बाद वो आपके साथ बुरा बर्ताव करने लग जाएंगे, आप पे चिल्लाएंगे, आप पे चीखेंगे, बस आपको इतना ही बोला जाएगा, GI हुई, LI हुई, तुमने क्या बेचा आज, तुमने क्या बेचा आज। ठीक है, अगर आप पूरे दिन कुछ नहीं बेच पाओगे तो 8 बजे रात 9 बजे रात तक आपको ब्रांच में बिठा के रखेंगे। जब तक आप नहीं बेचोगे आपको घर नहीं जाने देंगे। पीपल आर फीलिंग लाइक वो कहाँ पहुँच गए हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी नौकरी सोची थी कि उन्हें बहुत अच्छी नौकरी दी जा रही है, बट ऐसा नहीं था। और जब आप नहीं कर पाओगे, कुछ बेच नहीं पाओगे, आपको कभी सिखाया नहीं जाएगा कि बेचना कैसे है, कि हमें तो कभी बताया ही नहीं गया कि हमें कुछ बेचना भी है। हमें सिर्फ इतना बताया गया कि आपको एक ऑप्टिशन जॉब दी जा रही है, इसमें आपको क्रॉस सेल करना है सीट पे बैठ के, दैट्स इट। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत गंदे लोग हैं एक्सिस में, बहुत गंदे तरीके से बिहेव करते हैं। एम्प्लॉयज़ को कुत्ता समझा जाता है, उन्हें उनके साथ जानवरों जैसे बर्ताव किए जाते हैं। मैं जब गई स्टार्टिंग में मेरे साथ बहुत अच्छा, उसके बाद मेरी ऑपरेशन है अपर्णा शुक्ला, मुझ पर बहुत चिल्लाती थी, बहुत बहुत गंदे तरीके से मेरे साथ, मैं वहीं पर फूट फूट के रोने लग जाती थी। मैं कहती थी कि मुझे नहीं पता कैसे करना आपसे, कि वो नहीं सर, वो मेरे साथ कभी कॉल पे नहीं जाती थी, मुझे बोलती थी कि तुम रात को कॉल पे जाओ, मैं बोलती थी आप चलिए, तो वो नहीं जाती थी, वो मुझे बोलती थी जाने के लिए अकेले। और अगर कभी कुछ किसी के साथ हो जाएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, एक्सेस नहीं, वो कभी नहीं लेगा। प्लीज़ गाइज, प्लीज़ इस फ्रॉड में मत फंसिए।